ग्रंथराज श्रीमद भगवद गीता थारूप अध्याय दो गीता का सार श्लोक संख्या 65 और 66। श्लोक संख्या 65 पहले पढ़ेंगे हम लोग। बोलिए प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्यो पजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। इस प्रकार से कृष्ण भावना मृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। इसमें तात्पर्य नहीं है इसलिए 66वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए नास्ति बुद्धिर युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम्। भगवान कह रहे हैं नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य, जो जुड़ा हुआ नहीं है किससे, कृष्ण से। जो कृष्ण से जुड़ा हुआ नहीं है तो उसके पास दिव्य बुद्धि नहीं होती है, उसकी बुद्धि दिव्य नहीं होती है। न चायुक्तस्य भावना, और न ही उसके अंदर भावना आती है, है ना, मतलब भाव के धरातल पर भी वो नहीं आ सकता है, है? भाव, भाव का धरातल होता है जिसमें कि रोमांच, कंपन, अश्रु, ये सब जो है जो होते हैं पुलक, ये सब विकार होते हैं, भाव विकार, उसके अंदर वो भाव विकार नहीं आ सकते हैं। नचा भाव है तह शांतिर, और अगर वो भाव की दशा नहीं आई तो शांति कैसे मिल सकती है, यानी प्रेम कैसे आ सकता है ना, भाव के बाद ही तो प्रेम होता है ना। अशांतस्य कुतः सुखम, और जब तक शांति नहीं प्राप्त होती है तो सुख कैसे मिल सकता है ना। जब तक कोई व्यक्ति शांति को नहीं प्राप्त करता है तो सुखी कैसे हो सकता है। उसके पास सुख की वस्तुएं बहुत सी हो सकती हैं लेकिन वो सुखी नहीं हो सकता। अशांतस्य, अशांत का मतलब है डरा हुआ, है कि नहीं। कोई व्यक्ति अगर डरा हुआ है तो कैसे सुखी हो सकता है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। लीला प्रभुपाद की। कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। हाँ, नचा भाव है दाह शांतिर, कभी शांति जब तक कृष्ण भावना नहीं है तो शांति कभी नहीं आ सकती, है कि नहीं। क्योंकि भगवान ने कहा है ना 5वें अध्याय के अंत में, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, है। जब तक कोई व्यक्ति कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता, तीन प्रकार से, कि कृष्ण ही सब यज्ञों के भोक्ता हैं और कृष्ण ही सब लोकों के महेश्वर हैं और कृष्ण ही सब प्राणियों के मित्र हैं, है ना। ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, मुझे इस प्रकार जान करके शांति प्राप्त करता है। तो कृष्ण भावना के बिना शांति नहीं मिल सकती, है ना। जैसे कि चोर, है ना, जब तक वो चोरी नहीं छोड़ता और पुलिस के आदेश के अनुसार काम नहीं करता है, उसका डर कैसे दूर होगा, है कि नहीं। उसी प्रकार से जब तक कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं होता है तब तक वो चोर है, है ना, क्योंकि हर वस्तु तो कृष्ण की है, है? अगर आप किसी भी वस्तु को भोगना चाहते हैं तो कृष्ण भावना भावित होना जरूरी है। कृष्ण भावना का मतलब यही है ईसा मात्स्य में दम सर्वम, कि भगवान की वस्तु है। तेने तक तेने भुंजी था, है? और भगवान ने जो आपको दिया है अपनी खुशी से उसको आप भोगो,
है ना। तेने तक्ति ने भुंजी था मां ग्रधा कथा शोधनम, और दूसरे की संपत्ति है दूसरे के हिस्से में अपना अधिकार मत जमाओ। कृष्ण भावना का ये सूत्र है। तो कृष्ण की हर वस्तु है और आपको जो है ना वो चीज ग्रहण करनी है जो कृष्ण आपको खुशी से देते हैं, उसको कहते हैं प्रसाद, कृष्ण प्रसाद। प्रसाद का मतलब है प्रसन्नता। कृष्ण की प्रसन्नता से जो आपको चीज प्राप्त होती है तो उससे क्या होगा, प्रसाद। वो पिछले श्लोक में है ना, प्रसन्न चेतसो यासो बुद्धि परिवर्तिष्यते, तो फिर बुद्धि दिव्य हो जाती है। कृष्ण की प्रसन्नता से अगर हम कोई चीज ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो फिर हमारी बुद्धि दिव्य हो जाती है, स्थिर हो जाती है। तो यहां प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। सीधी बात है, आप जिस व्यक्ति के मकान में रहते हैं उस व्यक्ति से अच्छे संबंध बनाए बिना अगर आप मकान में रहते हैं चोर की तरह, तो आपको कैसे सुख मिलेगा? हमेशा भय बना रहेगा कि वो देख रहा है, ये देख रहा है, वो देख रहा है, ये देख रहा है, है कि नहीं। तो इसी प्रकार से ये पूरा जो जगत है ये भगवान कृष्ण का है और कृष्ण इस संपूर्ण जगत में निवास कर रहे हैं। कृष्ण से आप छिप नहीं सकते, कृष्ण से आप कोई चीज छिपा नहीं सकते हैं, और फिर भी छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, छिपने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होगा? अशांति, डर, है कि नहीं। तो शांति का मतलब यही है कि डर दूर हो जाए। तो इसलिए सबसे अच्छा है कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करो, है कि कृष्ण आपका सब कुछ है, मेरा कुछ नहीं है, है? मैं आपके शरण में हूं, आप जैसे चाहेंगे वैसे मैं रहूंगा, है? किस तरह से शांति प्राप्त होती है। आगे प्रभु लिखते हैं, अतः पांचवें अध्याय में 5:29 इसकी पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य ये समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता हैं और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। अतः यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन का अंतिम लक्ष्य मतलब नचायुक्त से भावना है ना। अगर अयुक्त है, युक्त नहीं है, तो उसके अंदर भावना नहीं है, मन का कोई अंतिम लक्ष्य ही नहीं है कि क्या आखिर जो है जीवन का उद्देश्य है, वो समझता नहीं। तो लोग क्या सोचते हैं, कृष्ण भावना भावित नहीं है तो लोग क्या सोचते हैं कि ये जीवन किसी प्रकार से क्या करना है, गुजारना है, टाइम पास करना है, है ना, जिंदगी किसी प्रकार से काटना है। लोग कहते हैं कि हमें तो किसी प्रकार से दिन काटना है, दिन कट गए, दिन काट रहे हैं किसी प्रकार से, है ना। ये नहीं सोचते हैं कि मनुष्य का जीवन कितना दुर्लभ है, कितना कीमती है, नहीं समझते इस बात को। तो मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता है, मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। मन जो है ना चंचल रहता है ना? कभी सोच मन चाहता है कि इसको प्राप्त करूं, कभी उसको प्राप्त करूं, ये नहीं ये चाहिए, ये नहीं ये चाहिए, ये नहीं ये चाहिए, यही मन जो है ना हमेशा करता रहता है। इसको कहते हैं राग द्वेष, राग द्वेष, है ना, यही है ना। तो जैसे श्लोक संख्या 64 में बताया, राग द्वेष विमुक्त है तो विषयान इंद्रिय स्थान, इंद्रियों से जो ना राग द्वेष दूर किया जाए, इंद्रियों को अपने बस में किया जाए, तो फिर प्रसाद की प्राप्ति होती है, यानी भगवान की कृपा प्राप्त होती है तब। तो अंतिम लक्ष्य का अभाव है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, जब मनुष्य को ये पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता, स्वामी तथा सबके मित्र हैं, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव
किया जा सकता है। अतएव जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है वो निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा। भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों ना करे। ऊपर से लोग दिखावा करते हैं लेकिन अंदर से अशांति रहती है। जैसे कृष्ण प्रिया प्रभु ने बताया था कि विदेश में किसी सज्जन ने एक पुस्तक लिखी कि कैसे सुखी जीवन बिताया जाए और उसकी पुस्तक बहुत बिकी, परंतु बाद में उसी लेखक ने आत्महत्या कर ली। तो इस तरह से लोग ऊपर से शांति का दिखावा करते हैं, अंदर उनके अशांति रहती है, मतलब भय बना रहता है कि नहीं, मृत्यु का भय बना रहता है। तो जब तक मृत्यु का भय नहीं दूर हुआ है तब तक कैसे हम सुखी हो सकते हैं। और मृत्यु का भय कब दूर हो सकता है? जब कृष्ण भावना भावित हो हम लोग है? तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण भावना में स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमय अवस्था है जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। तो कृष्ण का जब संबंध हो जाए तो फिर भय नहीं रहता बिल्कुल मृत्यु का। जैसे नंद महाराज, हालांकि बहुत शिक्षित नहीं है नंद महाराज, कोई बहुत बड़े विद्वान नहीं है नंद महाराज है? लेकिन उनको मृत्यु का कोई भय नहीं है। जब कृष्ण चले गए मथुरा और मथुरा से कृष्ण ने उद्धव जी को भेजा कृष्ण का संदेश देने के लिए ब्रजवासियों को है? तो उद्धव जी मिले नंद से यशोदा से और उनका प्रेम देखा कृष्ण के प्रति है? तो बहुत प्रभावित हुए, बहुत चकित हुए और काफी दिन तक ब्रजवासियों के साथ रहे, उनका संग किया। और जब वापस आ रहे थे वृंदावन से मथुरा, तो नंद ने जो है संदेश दिया कृष्ण के लिए, उद्धव जी से कहा, मनसो वृत्तयो नाशुः कृष्ण पादाम भुजाश्रया वाचो विधायनीर नाम नाम कायस्तन प्रेमणादिसु। नंद जी कहते हैं, मनसो वृत्त होना शु कृष्ण पादाम मुजाश्रया, हमारे मन की जो वृत्तियां हैं वो सब कैसी हो, कृष्ण के चरण कमलों के आश्रित रहे। मन में बहुत सी वृत्तियां होती हैं, मन में बहुत से विचार होते हैं, है कि नहीं, ये सब के सब विचार हमारे कैसे हो, मन के कृष्ण के चरण कमलों के आश्रित रहे। फिर वाचो विधाय नीर नाम नाम, और वाणी जो है, ज्यादा तो हम जानते नहीं कि हम बहुत बड़े कोई विद्वान हो कि बहुत बड़ा प्रवचन दें, तो क्या हो हमारी वाणी के द्वारा, वाचो विधाय नीर नाम नाम, कृष्ण के नामों का उच्चारण हो वाणी के द्वारा। कायस्तत प्रेमणा दिशु, और जो शरीर है हमारा है ना, तो शरीर के जितने कार्य हैं वो कैसे हो, कृष्ण को प्रणाम करने में, कृष्ण के प्रणाम करने जैसे जो कार्य हैं उनमें हमारा शरीर लगा रहे हैं, है ना। और इसके बाद नंद महाराज क्या कहते हैं, कर्म भीर ब्राह्म्य माणानम यत्र क्वापि स्वरेच्छय मंगला चरितेर दानेर रतिर्नः कृष्ण ईश्वरे। कर्म भीर ब्राह्म्य माणानम, देखो उनको कोई डर नहीं मृत्यु का। नंद महाराज कहते हैं कि मृत्यु आ जाए, जब आना हो मृत्यु आ जाए, उसकी चिंता नहीं है। कर्म के अनुसार हमको जो है ईश्वर की इच्छा से जहां कहीं भी शरीर प्राप्त हो तो हमें इसकी कोई चिंता नहीं है। हम क्या चाहते हैं कि हमने इस जीवन में जो कुछ भी मंगल आचरण किया है, शुभ कर्म किए हैं, दान किए हैं, उसका फल क्या हो, रतिर्नः कृष्ण ईश्वरे, कृष्ण नामक ईश्वर में हमारी आसक्ति हो, कहीं भी जन्म प्राप्त हो हमें हमारी आसक्ति हो कृष्ण नामक ईश्वर में। मतलब कृष्ण के गुण, कृष्ण के नाम, कृष्ण के रूप, कृष्ण की लीलाएं, है ना, इनका जो है स्मरण हो, आसक्ति हो,
कृष्ण में आ सकते हो, है ना। तो ये शांति है, है ना। बल्कि शांति से तो बहुत ऊपर है, शांति के धरातल से बहुत ऊपर है नंद महाराज। नहीं देखो, हमने उदाहरण बताया कि शांति की अवस्था है, मतलब कोई भय नहीं है मृत्यु का। शांत रस से तो ऊपर दास रस है, है ना, दास रस, और उससे भी ऊपर सख्य रस है, उससे भी ऊपर बात्सल्य रस है, है ना, बात्सल्य रस। तो नंद महाराज तो बात्सल्य रस के धरातल पर हैं, तो फिर शांत रस कैसे नहीं हो सकता है। वात्सल्य रस में तो नीचे के सभी रस होते हैं, शांत रस भी है, दास रस भी है, और सख्य रस भी है, है ना। और वात्सल्य रस तो विशेष है ना। उसी प्रकार गोपियों में भी कितनी शांति है, गोपियों में भी कितनी शांति है, उन्हें भी डर नहीं है, बहुत आगे हैं गोपियां, है? उनको तो नरक में जाने का भी डर नहीं है। नंद महाराज कहते हैं कि हमें जहां भी जन्म मिले, है ना, लेकिन गोपियां तो नरक में जाने से भी नहीं डरती हैं। ये कथा बड़ी प्रसिद्ध है कि भगवान कृष्ण ने दिखावा किया, उनके सिर में दर्द हो रहा है द्वारका में, और जब उनसे पूछा गया कि क्या करें, तो उनका कि किसी भक्त के चरण की धूल मेरे सिर में लगा दो तो मेरा सिर दर्द ठीक हो जाए। तो नारद जी जो है भक्तों के चरणों की धूल मांगते फिरे, कोई भक्त उनको अपने चरणों की धूल नहीं देना चाहता, है ना, क्यों, नरक की प्राप्ति होगी, है ना। लेकिन जब ब्रज में आए नारद जी और गोपियों से मिले, तो गोपियों ने पूछा नारद जी से कि कृष्ण का क्या समाचार है। नारद जी बोले कि कृष्ण के सिर में बहुत दर्द है और उन्होंने जो है अपने भक्तों की चरणों की धूल मांगी है, अगर आप जो है अपने चरणों की धूल दे दो तो जो है कृष्ण का दर्शन, कृष्ण का दर्द, सिर का दर्द ठीक हो सकता है, है? तो गोपियां जल्दी जल्दी अपने पैर की धूल निकालने लगी, है ना, और तुरंत कहा कि नारद जी तुरंत जाओ, तुरंत जाओ, कृष्ण के सिर में लगाओ ये धूल, चरणों की धूल। नारद जी कहते हैं, कह रहे क्या कर रहे हो तुम लोग, है? तुमने सोचा अपने बारे में कि तुम्हारा क्या हाल होगा, है? गोपियां कहती हमें कोई सोचने की जरूरत नहीं, हमारा क्या होगा, कृष्ण का सिर दर्द ठीक होना चाहिए बस। नारद जी कहते नहीं, तुम तो नरक में जाओगी। तो बोली नरक में हम जाएं, हम नरक में जाएं तो जाएं, कृष्ण के सिर का दर्द दूर हो जाए किसी प्रकार से, है ना। तो कितना जो है मतलब वो है निर्भय है गोपियां। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग नकल करें उनकी, गोपियों की नकल करें, है ना। कृष्ण के सिर में दर्द हो ही नहीं सकता है। जो भगवत गीता का विद्यार्थी है वो कहेगा अरे कृष्ण के सिर में दर्द कैसे हो सकता है, मेरे हाथ में गीता है, गीता में कृष्ण क्या कहते हैं, सुखस्य कांते कर्षचा ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा हम, ब्रह्म की भी जो ना प्रतिष्ठा है, आधार है कृष्ण, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा हम अमृतस्य, अमृत अमृत के आधार है, अमृतस्य अवेशजा शाश्वतस्य शाश्वतस्य धर्मस्य सुखस्य एकांतिक सजा, अध्याय 14 का 27वां श्लोक, एकांतिक सुख के आधार कृष्ण है। तो फिर कृष्ण के सिर में दर्द कैसे हो सकता है, कृष्ण तो सब जीवों के सब प्रकार के कष्टों को दूर करने वाले हैं, उनको कष्ट कैसे हो सकता है। तो वो बात नहीं है यहां पर, जो कृष्ण के तत्व को जानते हैं तो उनके लिए ये बात नहीं है। लेकिन नारद जी जब गोपियों के पास गए तो गोपियों में कृष्ण के प्रति कैसा भाव है, कांत भाव है, मनुष्य भाव है ना, योग माया का प्रभाव है। इसलिए वो सोचते हैं कि कृष्ण के सिर में दर्द हो रहा है, योग माया के कारण है, है ना। और कृष्ण के सिर का दर्द दूर हो जाए किसी प्रकार से, हम चाहे नरक में जाएं, है ना। तो ये जो है,
तो ये बहुत ऊंची स्थिति है गोपियों की। इसको हम कह रहे हैं कि हाँ ये शांति है। प्रभुपाद जी भी जो ना निर्भीक थे, निर्भीक अकेले गए विदेशों में और बड़े बड़े वैज्ञानिकों के सामने भी उन्होंने क्या घोषित किया कि तुम लोगों का समाज कुत्ते और बिल्लियों का है ना। किसकी हिम्मत थी प्रभुपाद के अलावा? आज तक ऐसा कोई महात्मा नहीं हुआ जो अकेले होकर के और विदेशों में इस प्रकार की घोषणा करे। तो ये निर्भीकता, ये जो निर्भीकता है ये कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में ही हो सकती है। 70 साल की अवस्था थी उनकी और अकेले गए है ना, अमेरिका गए अकेले, उसके पहले भी कभी नहीं गए थे, उनके साथ भी कोई व्यक्ति नहीं था है ना, लेकिन कितनी निर्भीकता थी। निर्भीक प्रचार किया, कृष्ण का संदेश दिया है। तो इससे पता चलता है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है शांत होता है ना। तो यह हमें समझना चाहिए। 64वें श्लोक में भगवान ने कहा राग द्वेष विमुक्त अस्तु विषयान इंद्रिय शरण। इंद्रियों में अगर राग द्वेष ना हो तो क्या होगा? प्रसादम अधिगच्छति, तो प्रसन्नता की प्राप्ति करता है, यानी कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। और 65वें श्लोक में भगवान ने कहा प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्यो विजायते। प्रसन्नता से यानी कृष्ण की कृपा से व्यक्ति के जितने दुख हैं सब दूर हो जाते हैं। प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, और प्रसन्न चित्त होने से उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है ना। तो अर्जुन का प्रश्न था कि स्थिर बुद्धि वाला पुरुष कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता फिरता है ना। तो भगवान यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है उसको शांति प्राप्त होती है। अशांत से कुतः सुखम, जब तक वो शांत नहीं होता है तो उसको सुख नहीं मिल सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मैं यहां बैठा हूं और कई लोग मेरी पूजा कर रहे हैं और मैं बड़े अच्छे सिंहासन पर बैठा हूं, राजा साहब की तरह और कई प्रकार के मेरे पास अच्छे अच्छे व्यंजन रखे हुए खाने के लिए और कई लोग मेरा गुणगान कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, खूब भोग ऐश्वर्य प्राप्त है मुझे, लेकिन मेरे सिर के ऊपर एक तलवार लटक रही है, मेरे सिर के ऊपर एक तलवार लटक रही है। कैसे धागे से? बिल्कुल पतले कमजोर धागे से। अब सोचो ये मुझे सुख मिल सकता है कि जितना लोग पूजा कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं मेरी, और सब प्रकार के अच्छे अच्छे भोजन रखे हुए हैं, क्या सुखी हो सकता हूं मैं? हो सकता हूं? नहीं हो सकता हूं। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मेरे सिर के ऊपर तलवार लटक रही है पतले धागे से, कभी भी वो गिरेगी और सिर को काट देगी मेरे, है कि नहीं? तो कैसे सुखी हो सकता हूं, है ना। तो ये भौतिक संसार में सुख नहीं है, सुख के साधन हैं बहुत से लेकिन सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि शांति नहीं, मृत्यु का भय बना रहता है ना। भय बना है तो शांति कैसे हो सकती है? ये जो है मेरा लेख जो छपा था भगवत दर्शन में 5वें अध्याय के 29वें श्लोक पर, तो इसमें मैंने काफी इस तरह की बातें लिखी हैं शांति। इसलिए कि कुछ शब्द मैं पढ़ के सुना रहा हूं। 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक, इसको प्रभुपाद हमेशा उद्धृत किया करते थे, आपको याद होना चाहिए। 5वें अध्याय का अंतिम श्लोक, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम
सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। और प्रभुपाद ने इस श्लोक को गीता का शांति सूत्र कहा है, ये शांति का सूत्र है। इस भौतिक जगत में जीवात्माओं को श्रद्धा और सर्वत्र भय बना रहता है, भय इसका मतलब है अशांत, भय बना रहता है। भगवत गीता का विषय उन्हीं लोगों के लिए है जो इस सत्य को अच्छी प्रकार समझ चुके हैं, अन्यथा इस श्लोक में शांति की कोई बात ही नहीं होती। क्योंकि इस श्लोक में भगवान ने शांति की बात कही है, इसका अर्थ है कि इस जगत में कोई भी शांत नहीं है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि हमें कोई कष्ट नहीं है तथा हमें सभी प्रकार से शांति मिल रही है। अगर आप मिलोगे तो वे कहेंगे कि हमें तो सब प्रकार से शांति मिल रही है, हमें कोई कष्ट नहीं है, हम क्यों कृष्ण का भजन करें। परंतु यह एक अज्ञान है, जब उनके सामने मृत्यु आती है तो वे भयभीत हो उठते हैं, है ना। ये एक अज्ञान है, जब उनके सामने मृत्यु आती है तो वे भयभीत हो उठते हैं, तथा ये मृत्यु प्रतिदिन उनके सामने किसी न किसी रूप में आती है। जैसे ही वे सड़क पर निकलते हैं तो वे ट्रकों और अन्य वाहनों को देखकर भयभीत हो उठते हैं, है ना। इस भौतिक संसार में जो है ना भय है, इसके अतिरिक्त अन्य जानवरों, सर्प आदि कीड़ों और आतंकवादी मनुष्यों से भी उन्हें भय मिलता रहता है, है ना। जब वे प्रातःकाल जागते हैं तो भय के कारण ही सैया छोड़ते हैं। वो चाहते हैं कि मैं थोड़ा और रेस्ट कर लूं, या फिर उनको कुछ डर पैदा होता है तो फिर वो उठते हैं, सैया छोड़ते हैं। भय के कारण सैया छोड़ते हैं, भय के कारण ही स्नान करते हैं, स्नान करने की इच्छा नहीं होती, उनको कुछ डर है फिर स्नान करते हैं। भय के कारण ही भोजन करते हैं, भोजन करने की इच्छा नहीं है कभी तो उनको डर बना रहता है तो भोजन करते हैं। और भय के कारण ही अपने व्यापार का कार्य करते हैं, ना व्यापार का काम नहीं करना चाहते हैं लेकिन फिर उनको डर पैदा होता है तो फिर वो व्यापार का काम करते हैं। उन्हें व्यापार में अपने सेवकों से भय रहता है इसलिए उन्हें वेतन देते हैं, ना सेवक को नौकर को वेतन नहीं देना चाहते हैं, उनको फिर डर पैदा होता है, तो फिर तनख्वाह देते हैं, वेतन देते हैं। उन्हें अपनी पत्नी से भय रहता है इसलिए उसकी इच्छाओं के अनुसार सभी कार्य करते हैं तथा वस्तुएं लाते रहते हैं। यही अज्ञान है, वे अपने को सुखी और शांत समझते हैं जबकि उनके जीवन में प्रतिदिन अनेक प्रकार के दुख और भय आते रहते हैं। यद्यपि ऐसी स्थिति में भी वे कुछ इंद्रिय तृप्ति का सुख अनुभव करते हैं परंतु यह सुख शास्त्रों के अनुसार रेगिस्तान में प्यासे मनुष्य के लिए जल की एक बूंद के समान है। रेगिस्तान में आपको प्यास लगे और आपको एक बूंद पानी दिया जाए तो कैसा लगेगा, क्या कुछ नहीं है ना। तो यहां का सुख ऐसा है, सुख जरूर है लेकिन प्यासे को एक बूंद पानी मिले तो उसे कुछ नहीं, उसको फर्क पड़ता है, उसी प्रकार का सुख है यहां। गीता में भगवान कहते हैं अशांतस्य कुतः सुखम, आज के श्लोक में, अर्थात अशांत व्यक्ति को सुख कैसे मिल सकता है। अनेक विद्वान तथा शिक्षित लोग शांति का उपाय खोजते हैं तथा ऐसे तथा कथित विद्वान और शिक्षित लोग शांति का नोबेल पुरस्कार भी पा लेते हैं। हर साल किसी न किसी मूर्ख को शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है लेकिन शांति का सूत्र भगवान ने पहले से दिया है गीता में, उसको कोई नहीं जानता है। शांति का नोबेल पुरस्कार पा लेते हैं परंतु उनके उपायों से मानवता में शांति की स्थापना तो नहीं होती बल्कि और अधिक अशांति फैल जाती है। जो कुछ भी वो शांति के उपाय बताते हैं उससे और अशांति फैलती है, लेकिन नोबेल पुरस्कार जरूर मिल जाता है उनको शांति का। ये उसी प्रकार है जैसा कि भागवत में कहा गया है अंधा यथा अंधे रूप नियमाना, अंधे लोग अंधों का मार्गदर्शन करते हैं, क्या क्या होगा परिणाम। अंधे लोग जो है अंधों को रास्ता दिखला रहे हैं तथा स्वयं भी और अन्यों को भी कुएं में गिराते हैं, क्या होगा परिणाम।
सब कुएं में गिरेंगे, है ना। श्री कृष्ण ने गीता के इस श्लोक में जो शांति प्राप्त करने की विधि प्रदान की है वो उसी प्रकार है जिस प्रकार किसी अंधे का मार्गदर्शन कोई आंख वाला व्यक्ति कर रहा हो, है ना। अंधे को जो है ना रास्ता कौन दिखाए, जिसके पास आंखें हैं। तो भगवान कृष्ण के जो उपदेश हैं ये है असली मार्गदर्शन भगवान कृष्ण बताते हैं। श्री कृष्ण के अतिरिक्त समस्त जीव उनकी माया के अधीन है और माया में अंधे हैं। शांति प्राप्त करने की विधि कुछ मूर्खों ने गीता सार के नाम पर अपनी व्यर्थ की कल्पनाओं से इस प्रकार बनाई है। आजकल गीता सार आता है बाजार में, क्या क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, जो कुछ हुआ सो ठीक हुआ, जो कुछ हो रहा है सो ठीक हो रहा है, तथा जो कुछ होगा सो ठीक होगा, ये मूर्ख। इस प्रकार का ज्ञान तमोगुणी है जो पशुओं के अंदर भी होता है। पशु बोल नहीं पाते हैं, लेकिन अगर वो बोल पाते और आप पूछते तो वो यही बोलते हैं कि जो हुआ सो ठीक हुआ, जो हो रहा है सो ठीक हो रहा है, और जो होगा सो ठीक हो। पशु दुष्ट लोग इस प्रकार का ज्ञान गीता के नाम पर फैला रहे हैं तथा लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार कभी कभी खरगोश किसी शेर को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है, अगर चाहे तो भाग जाए अपनी जान बचाए, लेकिन वो आंखें बंद कर लेता है, क्या सोच करके कि आंखें बंद कर लूंगा तो ना शेर रहेगा ना मुझे डर लगेगा, तो क्या होता है, मारा जाता है, है ना। और सोचता है कि मुझे कोई भय नहीं है, इस प्रकार वह शेर के द्वारा मारा जाता है। उसी प्रकार अज्ञान में कोई सोचता है कि जो कुछ हो रहा है सो ठीक हो रहा है, जो कुछ होगा सो ठीक होगा, तथा जो कुछ हुआ सो ठीक हुआ, तो उसके सोचने से तो ऐसा नहीं होगा। जब तक व्यक्ति ईश्वर की शरण में जाकर हरे कृष्ण का कीर्तन नहीं करता तब तक कैसे शांति मिल सकती है। श्रील प्रभुपाद के शब्दों में ये अज्ञान जनित सुख है, जिसमें व्यक्ति अपने को झूठ मूठ सुखी समझता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण मानवीय क्रियाओं के भोक्ता हैं। ये ज्ञान परम शांति का सरल मार्ग है। क्योंकि ये श्लोक शांति प्राप्त करने के तीन सूत्रों का वर्णन करता है। पहला भोक्तारम यज्ञ तपसाम, अर्थात श्री कृष्ण समस्त यज्ञ तथा तपस्या के भोगी हैं, मनुष्य नहीं है। मनुष्य को जो है यज्ञ में तपस्या करने में अधिकार है, लेकिन भोगने में नहीं है। भोगते कौन है, कृष्ण है, कृष्ण भोगते हैं। और दूसरा सूत्र क्या है, सर्वलोक महेश्वरम, अर्थात श्री कृष्ण संपूर्ण लोकों तथा देवताओं के महाप्रभु हैं। और तीसरा सुहृदम सर्वभूतानाम, अर्थात समस्त प्राणियों के मित्र श्री कृष्ण ही हैं, है ना। सर्वप्रथम सूत्र के अनुसार मनुष्य को अपने समस्त कर्म श्री कृष्ण की सेवा में अर्पित करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भोगता है। मनुष्य के जीवन में यज्ञ और तपस्या अनिवार्य है। यज्ञ के विषय में भगवान कहते हैं कि नायम लोकोस्ति यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम, अर्थात यज्ञ ना करने वाले मनुष्य के लिए ना तो इस लोक में सुख है, फिर परलोक में कैसे होगा। श्री कृष्ण को यज्ञों का भोक्ता समझने का अर्थ यही है कि श्री कृष्ण यही चाहते हैं कि मानव अपने जीवन में यज्ञ को अनिवार्य समझे। श्री कृष्ण समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। इसका अर्थ यह भी है कि जितने प्रकार के यज्ञ अनेक देवताओं के नाम से होते हैं उन यज्ञों में भी श्री कृष्ण का ही पूजन होता है। यद्यपि इस बात को अज्ञानी लोग नहीं समझ पाते, यहां तक कि कभी कभी देवतागण भी नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए जब ब्रज में प्रतिवर्ष की भांति इंद्र का यज्ञ हो रहा था तो इंद्र अपने आप को इस यज्ञ का भोक्ता समझ बैठा था, तथा ये भूल गया था कि परमेश्वर इस यज्ञ के भोक्ता हैं, वो तो केवल माध्यम है। जितने भी देवता हैं उनके माध्यम से जो पूजा होती है वो पूजा होती है भगवान की। कभी कभी देवता खुद सोचते हैं कि भाई मेरी पूजा हो रही है ना, तो वो फिर अपराध होता है। इंद्र तो माध्यम है, भगवान की पूजा होती है। इसीलिए
श्री कृष्ण ने इंद्र का यज्ञ बंद करवाकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाई। गोवर्धन गिरिराज श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ सेवक हैं, अतः उन्होंने इंद्र के समान ऐसी भूल नहीं की कि वे यज्ञ के उपभोक्ता हैं। अतः यद्यपि गिरिराज के लिए ब्रजवासियों ने यज्ञ किया था, परंतु उस यज्ञ में जितनी भोजन सामग्री गिरिराज को अर्पित की गई थी वो गिरिराज ने नहीं वरम श्री कृष्ण ने ग्रहण की थी। कृष्ण स्वयं जो है एक बड़ा भारी रूप धारण करके आ गए और क्या कहते हैं कि मैं गिरिराज हूं और खा लिया सब भोजन जो ब्रजवासियों ने अर्पित किया था। तो भगवान ने गिरिराज की पूजा के बहाने क्या किया, अपनी पूजा करवाई, है ना। श्री कृष्ण ने इंद्र का यज्ञ बंद करवाकर तथा गिरिराज का यज्ञ कराकर इंद्र को यह दिखाना चाहा था कि यज्ञों के असली भोक्ता इंद्र नहीं वरन श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण ने इंद्र का यह अभिमान नष्ट कर दिया कि वो यज्ञ का भोक्ता है। जिस प्रकार देवतागण अपने को यज्ञ भोक्ता समझने की भूल कर बैठते हैं, उसी प्रकार यज्ञ करने वाले मनुष्य भी जब देवताओं को यज्ञ भोक्ता समझने लगते हैं तो उन्हें भी संसार बंधन से छुटकारा नहीं मिलता। तो दोनों बातें गलत हैं। कोई देवता समझता है कि मैं यज्ञ का भोक्ता हूं तो वो तो गलत है ही है। जो पूजा करने वाला है अगर वो सोचता है कि भाई ये देवता भोक्ता है तो वो भी गलत है, है ना। दोनों गलत है। अर्थात इस श्लोक के अनुसार उसको शांति नहीं प्राप्त होती है। अगर कृष्ण को ना समझ करके भोक्ता, कोई भी किसी सोचता है कि भाई मैं इंद्र की पूजा कर रहा हूं तो इंद्र भोक्ता है, है ना, या सूर्य की पूजा करता हूं सूर्य भोक्ता है, तो उसको शांति नहीं मिलेगी। ऐसे लोग देवताओं के भक्त कहलाते हैं तथा उन्हीं देवताओं के लोक में जाते हैं। वे कभी भी भगवत धाम में प्रवेश नहीं कर सकते, फिर भी सभी प्रकार के यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ क्या है, हरि कीर्तन, जिसकी संतुति इस कलयुग में की गई है। हरि कीर्तन के भी दो रूप हैं, पहला हरि नाम कीर्तन और दूसरा हरि गुण कीर्तन, है ना। हरि नाम कीर्तन हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में होता है तथा हरि गुण कीर्तन श्रीमद् भागवत के रूप में होता है। क्या समझे, जब व्यक्ति हरि नाम कीर्तन से शुद्ध होता है तब वो नाम संकीर्तन यज्ञ के साथ साथ गीता तथा भागवत के ज्ञान यज्ञ के प्रति आकर्षित होता है। गीता तथा भागवत का ज्ञान यज्ञ सभी प्रकार के यज्ञों में श्रेष्ठ है, जिसके विषय में भगवान कहते हैं मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, अर्थात जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं मैं वहीं पर रहता हूं। तो कुछ शब्द हमने जो है पढ़े इस लेख के, तो आज के श्लोक में भगवान ही कह रहे हैं अशांतस्य कुतः सुखम्। जब तक कोई व्यक्ति शांत नहीं होता है तब तक सुखी नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल समझने लायक बात है, है ना। तो फायदा क्या हुआ, कोई व्यक्ति सोचता है मैं बड़ा राजा बन जाऊं, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, है ना, लेकिन उसको जो ना और डर बना रहता है तो कैसे सुखी रहेगा, है कि नहीं। तो क्या फायदा, यही अज्ञान है। लोग चाहते हैं कि धन मिल जाए, बहुत बड़ा मकान मिल जाए, ये मिल जाए वो मिल जाए, लेकिन इनके साथ में क्या होता है, डर भी मिला हुआ है। अब क्या फायदा उनको उस बड़े मकान में रहने से, क्या फायदा, क्योंकि उनको डर के मारे वो सो नहीं पाते हैं, है कि नहीं। धन संपत्ति मिल जाती है उसके साथ में डर लगा रहता है, चोरों का डर लगा रहता है, डाकुओं का डर लगा रहता है, जान का डर रहता है कि अपनी ना जान चली जाएगी, तो फिर क्या फायदा है, है ना, इन चीजों को पाने से क्या फायदा है, है ना। शंकराचार्य ने एक श्लोक लिखा है, अर्थम अनर्थम भावय नित्यम नास्ति ततः सुखलेशः सत्यम पुत्रादपि धन भाजाम भीति सर्वत्र ऐसा विहिता रीति। अर्थम अनर्थम भावय नित्यम, अर्थ यानी धन संपत्ति को हमेशा समझो क्या अनर्थ है, ये अनर्थ ही है। धन संपत्ति को भोगना चाहते हो आप तो क्या होता है,
इसमें जनाबी सच्चे सुख का लेस मात्र भी नहीं है, है? नास्ति तथा सुख लेस असत्यम पुत्रा तपिधन भाजाम भीति। धनी व्यक्ति को अपने पुत्र से भी भय बना रहता है, कभी कभी उसका लड़का ही उसको मार डालता है अपने पिता को, है ना, अपने पुत्र से भी डर बना रहता, अपनी पत्नी से भी डर बना रहता है धनी व्यक्ति को। सर्वत्र ऐसा विहिता रीति, तो ये रीति हमेशा चली आई है, है ना। तो फिर क्या, जब शांति नहीं है तो कैसे सुख मिल सकता है, कभी सुख नहीं मिल सकता है। खूब अच्छा अच्छा जो है भोजन मिल रहा है, अच्छा मकान है, अच्छी पत्नी है, बहुत बढ़िया कार है, है ना, लेकिन तो अभी डर बना हुआ है, है कि नहीं। तो आज चर्चा हो रही थी इसी बात की कि जो प्रधानमंत्री हैं, बड़े बड़े जो हैं, जो मिनिस्टर हैं, तो जितने बड़े बन जाते हैं उतना ही तो उनको डर रहता है, है ना। तो ये जो है, जब तक शांति ना प्राप्त हो तब तक कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। और शांति कैसे प्राप्त होगी, कृष्ण भावना मृत से। तो भगवान ने कहा नचा भावयता शांति, अगर कृष्ण भावना भावित नहीं है तो शांति हो ही नहीं सकती, शांति हो ही नहीं सकती। शांति का देखावा जरूर किया जा सकता है लेकिन शांति नहीं हो सकती, है ना। डर बना रहेगा, डर नहीं दूर हो सकता, क्योंकि भगवान दिल में बैठे हुए हैं, है ना, हृदय में भगवान बैठे हुए हैं और वो डर पैदा कर रहे हैं। जब तक आप उनको प्रसन्न नहीं करोगे भगवान को, तो वो आपका डर दूर नहीं कर सकते हैं, डर दूर नहीं करेंगे, है? तो चाहे जो जितनी भी चीजें हासिल कर लो लेकिन आपका डर दूर नहीं हो सकता है, मृत्यु का भय, है ना। कोई प्रश्न है किसी का, जिनका प्रश्न है कि तीन ताप कौन कौन से हैं, कौन बताएगा? तीन प्रकार के ताप हैं, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक, ठीक है ना। आध्यात्मिक ताप क्या है, अपने शरीर और मन से जो प्राप्त होते हैं। शरीर में क्या है, जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी, ये सब शरीर के कारण है कि नहीं। आपके शरीर के कारण ही जो है ना कई प्रकार की बीमारियां पैदा हो रही हैं, है कि नहीं। तो ये आध्यात्मिक कष्ट। और फिर आदि भौतिक कष्ट क्या है, दूसरे जीवों से प्राप्त होते हैं, है? कभी अपने मित्र से भी कष्ट प्राप्त होता है, कभी शत्रु से कष्ट प्राप्त होता है, माता से पिता से कष्ट प्राप्त होता है, पुत्र से और पत्नी से कष्ट प्राप्त होता है, है ना, पड़ोसी से कष्ट प्राप्त होता है, और मच्छरों से मक्खियों से कष्ट प्राप्त होता है, सर्पों से कष्ट प्राप्त होता है, है ना। तो ये कष्ट क्या है, कौन सा, आदि भौतिक। और फिर आदिदैविक कष्ट क्या है, जो दुर्भाग्य से प्राप्त होता है या दैवी प्रकोप, प्राकृतिक प्रकोपों से प्राप्त होता है, है ना। आंधी तूफान, जहाँ बहुत गर्मी है, बहुत ठंडी है, बहुत बरसात है, बाढ़ है, है ना। तो ये जो है ना देवताओं के द्वारा प्राप्त होते हैं या प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं, तो ये आदि कौन सा है, आदि दैविक। हाँ, इनका प्रश्न है कि तीन ताप हैं, इनसे मुक्ति का उपाय कैसे, मतलब कैसे प्राप्त करें इन तीन तापों से मुक्ति। तो तीन तापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए कृष्ण भावना अमृत, है ना। तो जब आप कृष्ण भावना भावित होते हैं तो आप तीनों तापों से मुक्त हो जाते हैं। तापत्रय उन्मूलनम, श्रीमद् भागवत तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करता है। उन्मूल का मतलब क्या है, उनका मतलब ऊपर, मूल माने जड़, जड़ को उखाड़ देता है। तापत्रय उन्मूलनम, तीनों तापों की जड़ उखाड़ देता है श्रीमद् भागवत, है ना। तो श्रीमद् भागवत जो है ना अगर रोज श्रवण करें हम, है ना, श्रीमद् भागवत में क्या है, कृष्ण की चर्चा है, कृष्ण का जो है गुणगान है। तो अगर हम कृष्ण का गुणगान श्रवण करते हैं, सुनाते हैं, तो तीनों प्रकार के ताप दूर हो जाएंगे, है ना। और कोई प्रश्न है? अच्छा, तो मैं प्रश्न कर रहा हूं, भगवान ने पांचवें अध्याय के 29वें श्लोक में जो शांति प्राप्त करने के
तीन उपाय बताए हैं, तीन आवश्यक बातें बताई हैं, वो क्या क्या हैं। सबसे पहली बात है कि भगवान कृष्ण को भोक्ता समझना, कि भगवान भोक्ता है ना। लेकिन हम लोग नहीं समझते भगवान को भोक्ता, हम ईर्ष्या करते हैं भगवान से कि वो क्यों भोक्ता है, मैं क्यों नहीं भोक्ता है ना, है भोक्ता। जैसे कि मतलब पेट है, आपका पेट है ना, तो शरीर के दूसरे अंग कहें, कह रहे ये पेट जो ना भोक्ता है, हमको तो कुछ नहीं मिल रहा है, हम इतनी मेहनत करते हैं, हाथ हैं, पैर हैं, आंखें हैं, कान हैं, ये कहते हम इतनी मेहनत करते हैं लेकिन पेट सब भोक्ता है, खाता सब पेट है ना। तो ईर्ष्या करते हैं सब अंग है? लेकिन उससे फिर होता क्या है, अगर पेट को भोजन बंद कर दिया जाए तो फिर ये हाथ है, पैर है, कुछ काम नहीं करेंगे, है कि नहीं। तो उसी प्रकार से भगवान कृष्ण है, कृष्ण को अगर हम भोक्ता मान लेते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, तो फिर हमें प्रसन्नता प्राप्त होती है। भोक्ता रम्या की तब शाम। और दूसरी बात क्या है, दूसरी शांति के लिए दूसरी आवश्यक बात क्या है, जानना सर्वलोक महेश्वरम, कि कृष्ण सब लोगों के महाईश्वर हैं। महाईश्वर मतलब महानियंत्रक, सबसे बड़े नियंत्रक कृष्ण हैं। कृष्ण अगर जिसको मारना चाहे तो कोई नहीं बचा सकता, और कृष्ण जिसको बचाना चाहे उसको कोई मार नहीं सकता, है ना। तो कृष्ण नियंत्रक है सबके। तो ये दूसरी बात है, समझना जरूरी है। और शांति के लिए तीसरी बात क्या है, समझना जरूरी, सुरदम सर्वभूतानाम, सब जीवों के कृष्ण सुरद हितैषी हैं, कृष्ण हित चाहते हैं। भगवत गीता में जो बातें कृष्ण ने बताई हैं कि भाई मेरी पूजा करो, मन मना भव मत भक्तो, मुझे मन को लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, है। तो क्यों कृष्ण ने कहा ये, क्या इससे कृष्ण को कुछ फायदा है, नहीं। वे हमारे सुहृद हैं, हमारा भला चाहते हैं, इसलिए कृष्ण कह रहे हैं, तो शांति मिलेगी, है। गीता में जो कृष्ण कहते हैं कि मेरी शरण में आओ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मेरी शरण में आओ, है? तो इससे कृष्ण का कुछ लाभ नहीं है, है? कृष्ण क्यों कह रहे हैं, हमारे लाभ के लिए कह रहे हैं, है ना। तो जब इस प्रकार हम समझेंगे भगवत गीता को तो शांति मिलेगी। लेकिन अगर सोचें अरे कृष्ण तो अपने को ही ईश्वर कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, ये तो जो ना अपना जो ना अपनी पूजा कराने के लिए के चक्कर में है कृष्ण, तो है ना, ये तो ठीक नहीं है। और कृष्ण में बहुत घमंड है, इसलिए ज़्यादा बोल रहे हैं कि मैं सबका सब जीवों का पिता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये तो सब घमंड की बातें हैं कृष्ण गीता में कर रहे हैं। तो फिर क्या फ़ायदा, तो क्या होगा इसका परिणाम, अशांति, आपको शांति नहीं मिल सकती है। तो कोई व्यक्ति जो है ना इस ढंग से भी सोच सकता है कि कृष्ण ने जो है ना मतलब युद्ध कराया और जो है इस अनावश्यक रक्तपात कराया, खून खराबा कराया, है ना, तो ये जो है ना कृष्ण ने ठीक नहीं किया है, तो इससे शांति नहीं मिलेगी। शांति कैसे मिलेगी, आप जब विचार करोगे कृष्ण ने जो कुछ किया वही सबके लिए भलाई में है, इतनी जो योद्धाओं की संख्या मारी गई, इतने ज्यादा योद्धा मारे गए, इसमें ही भलाई थी सबकी, कृष्ण जो करते हैं वो सबका भला ही करते हैं, तो शांति मिलती है ना। सुरदम सर्वभूतानां, जैसे सुदामा जी जब कृष्ण ने उनको कुछ नहीं दिया तो क्या सोचते हैं, हाँ ये भी कृष्ण की कृपा है, उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया, क्योंकि सोचा कि इस मूर्ख को अगर मैं दे दूंगा तो ये मुझे भूल जाएगा, सुदामा जी ऐसे सोच रहे थे। हालांकि कृष्ण ने उनको इतना दिया कि कोई सोच नहीं सकता है कितना दिया,
लेकिन सुदामा जी को तो बताया नहीं कुछ, सुदामा जी को कुछ वैसे कुछ दिया नहीं और ना कुछ बताया, लेकिन दे दिया इंद्र जैसा ऐश्वर्य दे दिया। तो सुदामा जी अपने आप यही सोचते हैं कि ये भी कृष्ण की कृपा है कि कृष्ण ने कुछ नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये मूर्ख ब्राह्मण धन संपत्ति पाकर के घमंडी हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से उनको जो ना शांति का अनुभव कर रहे थे सुदामा जी। और जब उनको पता चला कि कृष्ण ने इतना दिया, है ना, तो कृष्ण का कृपा महसूस करते हैं, कृष्ण कितने कृपालु हैं कि उन्होंने बताया कुछ नहीं और इतना दिया उन्होंने, है ना। तो कृष्ण जो ना कुछ भी करें, कोई भी काम करें, जो भक्त है वो कृष्ण की कृपा सोचता है, है? अब उसको कुछ पता नहीं है कि जो है ना कृष्ण क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी जहां तक बुद्धि होती है, अपनी बुद्धि से वो ये सोचता है कि कृष्ण की इसमें यही कृपा है, कृष्ण जो है मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं, तो इस तरह से उन्होंने कृपा की है, अपना दिमाग लगाता है वो, चाहे सही हो चाहे गलत हो, लेकिन इतना जरूर उसके दिमाग में है कि कृष्ण जो कर रहे हैं वो मेरी भलाई के लिए कर रहे हैं, है ना। इस प्रकार से जो ना भावना होती है, है ना। तो जब भावना इस प्रकार की किसी व्यक्ति की होती है तो शांति प्राप्त होती है, कृष्ण भावना मृत से शांति प्राप्त होती है। और जब कोई व्यक्ति कृष्ण की कृपा देखता है तो कृष्ण फिर और कृपा करते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा की, श्री श्री गौणताय भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान।